दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जीवन से सीखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जो आपके सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी। आइए थोड़ा सा अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम लिंकन अपने जीवन में बहुत बार फेल हुए। उसको लॉ स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। जब उन्होंने उधार मांगकर बिजनेस शुरू किया तो दिवालिया हो गए। फिर जब नौकरी करने गए तो उससे भी निकाल दिए गए। दोस्त कोई और होता तो थक कर हार मान लेते, मगर अब्राहम रुकने वालों में से नहीं थे। इसके बाद वे अपने जीवन में 8 बार इलेक्शन हारे और हारते हारते अब्राहम लिंकन दुनिया के महान लीडर में से एक बन गए। अब अगर ये इंसान अगर कुछ सीखने का संदेश दे तो वह बिल्कुल हमारे लिए लाभदायक होगा, क्योंकि वह स्ट्रगल करके टॉप में पहुंचे। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से सीखने वाली 3 महत्वपूर्ण सफल बातें। पहला, मैं धीमे चलता हूं लेकिन मैं कभी उल्टा नहीं चलता। दोस्तों, जब जिंदगी में सफलता की बात आती है और जब सफलता के लिए मेहनत करते हैं और जब फर्स्ट सेकंड प्रयास में फेल हो जाते हैं तो फिर हम सब अपने कमियों की चिंता करते हैं और उसी सोच में डूब जाते हैं कि मेरे में ये कमी है, इसी कारण मैं सक्सेस के लायक नहीं हूँ। यहाँ पर अभी हमें ये करना है कि अपना फोकस कमियों से हटाकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस पर लगाना है। मतलब आपका जो भी गोल है तो वो पूरा कैसे होगा, इस प्लानिंग को फोकस कर उसी में वर्क करना है, न कि जो आपको पीछे ले जाए उसमें। आप जो भी खाना पीना उठना बैठना करते हो वो ऐसा होना चाहिए जो आपको हल्का रखे, नहीं तो थोड़ा से भी अनफोकस होने पर आप अपने लक्ष्य से विचलित हो सकते हो। और किताब, वीडियो, मूवी वगैरह का चॉइस ऐसा हो जो आपको नॉलेज, इंस्पिरेशन, मजा दे, क्योंकि सफलता हमारी जिंदगी का ही एक रूप है। जैसा आज हम जो भी करेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। दूसरी बातें जो अब्राहम कहते हैं, आप जो भी बनो बढ़िया बनो। दोस्तों, अब्राहम लिंकन कहते हैं कि अपने सपनों में भी किसी और की तरह बनने की मत सोचो। आप जो भी हो बेहतर हो, आप बेहतर से बेहतर बनने की सोचे। अगर हमको कंपटीशन करना ही है तो हम खुद से करें, क्योंकि अगर खुद को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। आप अगर खुद से कंपटीशन रखेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांग होते जाएंगे और आपने एक नए अनुभव का उत्पत्ति होगा जो लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जिसकी समझदारी समय के साथ नहीं बढ़ती, मैं ऐसा इंसान से दूर रहता हूँ। दोस्तों, अगर आप टॉप में जाना चाहते हो तो आपको ऐसे इंसान से दोस्ती करना पड़ेगा जो आपको नया नया एक्सपीरियंस बताता सिखाता हो। तो आपके सर्कल में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज भी वही के वही हैं, और ऐसा लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि जब वह सफल होने के लिए मेहनत करता है तो फेल का सामना करता है, तो फिर वह हार मान जाते हैं और फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं, जिससे कि ऐसे लोग समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, आज तक मैं ऐसा इंसान का नाम नहीं सुना जो बिना फेल हुए कुछ कर गया हो। हम सब फेलियर का सामना करते हैं, लेकिन जो अपनी गलती से नहीं सीख पा रहा वह आपकी क्या सुनेगा, और वो आगे भी गलती करेगा। तो ऐसे लोगों को आप एक बार समझाना और अपने रास्ते आगे बढ़ जाना।